उन्होंने मेरी माँ बहन की गंदी गालियाँ दी और मेरा हाथ आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ तोड़ दिया गया है। दो लोग थे सर, बहुत लाठी मारी सर, मुझे बहुत मेरी गलती बता दी सर। कोरोना संदिग्ध की सूचना देने पहुंचे RWS सचिव वे पत्रकार की पुलिसकर्मी ने कर डाली डंडों से पिटाई, हाथ टूट गया। घटना बाहरी उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया की है। अब RWS सचिव ने भी लॉकडाउन का कोई उल्लंघन तो नहीं किया, ये जांच का विषय है। पर यदि कोई बाहर निकला भी तो हाथ तक तोड़ना कहां तक जायज है? दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया के नथुपुरा में गरीबों जरूरतमंदों को भोजन बांटना और हर रोज पुलिस के कार्यों में हाथ बटाना नरेंद्र कुमार नाम के इस शख्स को महंगा पड़ा। कुछ अंदेशा हुआ कि कोई कोरोना का पेशेंट हो सकता है। मैं सर, मुझे शाम का समय था, मैं दूध लेने भी जाना था, पुलिस चौकी मेरे बहुत नजदीक है, मैं सर वहाँ पे चला गया। ऐसा ही साहब को मैंने कहा तो ऐसा ही साहब ने कहा मुझसे कि आप नरेंद्र चौकी पे चले जाओ, कोई बंदा हो उनको बताओ और अपनी समस्या बता दो। मैंने कहा ठीक है सर। मेरे वो ऑनलाइन थे मेरे साथ, वो मैंने अरविंदर करके थे कोई सिपाही, पुलिस चौकी पे बैठे थे साहब। मैंने कह दिया साहब एक कोरोना पेशेंट भी है वहाँ पे और ऐसे ऐसे बात मैं बतानी चाहिए। उन्होंने मेरी बात तो सुनी सर और लाठी मारनी शुरू कर दी। वो दो लोग थे सर, दोनों ने खूब लाठियाँ बरसाई। मेरा हाथ में फ्रैक्चर है सर, मैं अम्बेडकर हॉस्पिटल में हूँ। बहुत लाठी मारी सर, मुझे बहुत मेरी गलती बता दी सर। पुलिस बूथ में एक नए आए पुलिसकर्मी ने RWA के सचिव को इतने डंडे मारे कि उनका हाथ टूट गया, पूरे शरीर में चोट आई है। दरअसल नथुपुरा में एक कोरोना का संदिग्ध पेशेंट था जिसकी सूचना देने RWA के सचिव नरेंद्र कुमार पुलिस बूथ पहुंच गए। पुलिस बूथ में जब जानकार पुलिसकर्मी नहीं मिले तो उन्होंने एक जानकार पुलिसकर्मी को फोन मिलाया जो पुलिसकर्मी हर रोज वहाँ स्थित होते थे। उन्होंने कहा कि जो आज मौजूद है उनसे बात कराइए। जब नरेंद्र कुमार ने बात करानी चाही तो मौजूद पुलिसकर्मी इतना भड़क गए कि उन्हें गालियां देने लगे और साथ ही उन पर डंडों की बारिश कर डाली। नरेंद्र कुमार कहां टूट गया, पांव पर काफी चोटें आई हैं और वहीं गिर गए, पर नरेंद्र कुमार को अस्पताल पहुंचाया गया। नरेंद्र कुमार का कहना है कि उन्होंने मास्क लगा रखा था और हर रोज गश्त में हर अनाउंसमेंट में पुलिसकर्मी का मदद और साथ देने के लिए SHO और ACP के साथ निकलते थे। इसी कारण वह चौकी में पुलिसकर्मियों को बताने चले गए। पुलिसकर्मी नशे में थे या क्या वजह रही, ये तो जांच का बाद ही पता चले पाएगा। मास्क लगा रखा था, मैं बाइक पर था, मैंने चौकी के सामने में लगातार पुलिस की मदद भी करता हूँ और RWA में सेक्रेटरी पद पे हूँ, यूट्यूबर हूँ सर, न्यूज चैनल चलाता हूँ अपना सर। पुलिस ने बेरहमी से मेरी बहुत पिटाई की, बहुत मारा सर मुझे। अरविंदर विजेंदर करके कुछ नाम है सर, मैंने SHO साहब को कहा तो ना तो सब SHO साहब ने मुझे बेल्ट नंबर दिया और ना मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार हुए सर। पुलिस को पूरा बचाया जा रहा सर, मेरी मदद की जा रही। फिलहाल स्वरूप नगर थाना पुलिस को शिकायत दे दी गई है। दिल्ली में पुलिस काफी बेहतरीन काम कर रही है, कहीं खाना खिलाना तो कहीं लोगों के साथ मदद करना, लेकिन बाहरी उत्तरी जिले में लगातार शिकायतें आ रही हैं। पिछले सप्ताह भी इसी जिले का पुलिसकर्मी वर्दी में लोगों को धमका रहा था और उसकी गाड़ी में दो पेटियां शराब भी मिली थी। उस मामले की पुलिस द्वारा रफा दफा कर दिया गया था। बाकायदा उसमें पुलिसकर्मी का वर्दी पहने हुए लोगों को धमकी देते हुए वीडियो भी है। उसी जिले में फिर एक पुलिसकर्मी पर यह आरोप लगे हैं, लेकिन लगता है इस बार भी पुलिस पीड़ित का साथ नहीं देगी। लगता है इस जिले में पुलिस के सेनापति अपनी सीमा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस देर शाम की इस घटना की जांच कर रही है। DCP ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी।